अगर आप 100% जिस चीज को लाग जाओगे वो निश्चित है आप कर दिखाओगे तो होंगे, तो आप शायद आप यही सोचते होगे हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है या हमारे पास होता तो हम इस तरह करते। दोस्तों ये भूल है, ये गलत है सरासरा। लेकिन दोस्तों इतना बताना मैं चाहता हूँ, आप जीरो से स्टार्ट करोगे ना तभी आसमान तक जाओगे। आप बड़ा अमाउंट लगा के आप कभी आसमान छू नहीं पाओगे। मैं बड़ा अमाउंट लगा के देख लिया और हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों फाइनली आ गया दुकान पे रोटी वोटी खा के। और दोस्तों अभी आज है वाइस गंज के बाजार, क्योंकि दोस्तों वाइस गंज के बाजार बहुत अच्छा होता है और काफ़ी अच्छा सेल होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सीजन ना चलता है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी चलता हूँ, लोड करता हूँ कपड़े सारे को, क्योंकि भाई कोई लगाने वाला नहीं होता कपड़ा, हमारा घर में कोई आदमी नहीं है द्वारे पे, तो इसलिए भाई कुछ हमारे घर में जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती है वो लोग हेल्प करते हैं। और अभी हमारा हेल्प करना स्टार्ट हो गया, हमारी छोटी साली साहब आए और देख सकते हो फरिया वरिया गाड़ना स्टार्ट हो गया है। और भाई देख सकते हो मेहनत स्टार्ट हो गया है, अभी सीखने की सिखा रहे हैं। चलो भाई फटाफट। और ये लोग भाई भरपूर मदद करती हैं, तभी हमारा कपड़ा लोड हो पाता है। तभी चलते हैं साथ में मिलके लोड करा देते हैं थोड़ा थोड़ा है। ध्यान से मोहम्मना लगा दें हमारे। तो भाई चलते हैं, इसको लोड कर लेते हैं फटाफट। ये झोला है, इसमें सारा पल्ली वल्ली है दोस्तों, बच गए। और दोस्तों इसी में फंसा देता हूँ ताकि कहीं जाए ना आराम से, और इससे बांध देता हूँ। चलो बस ये हंगीर भाई इधर मुड़े लगे ना, बस इतना नहीं दिक्कत नहीं है। चलो अब उसको उठा ले हैं। तो फाइनल दोस्तों अभी कपड़ा अच्छे से लोड कर लिया हूँ, चलता हूँ निकलता हूँ भाई यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है आज। अभी देख सकते हो भाई कितना तेज़ धूप है और बादल भी हल्का हल्का है। भाई चलते हैं फटाफट, निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली दोस्तों अभी दुकान का लगा दिया और दुकान लगा के अभी बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों टाइम हो गया अभी 3:18 और अभी मार्केट में बहुत कम कस्टमर आ रहे हैं, क्योंकि अभी 4 तक स्टार्ट हो जाते हैं सेल होना। तो अभी देख सकते हो मैं मार्केट पूरी खाली खाली है। पहले पे लाल पे पीला चाहे जहाँ पे पहना वही आटा मैंने टांगे रहने, वही आटा टांगे रहना, जैसे खत्म हो फिर टांगने से 60 के। और कुछ लेकिन 50 बढ़िया वाला ही है, अच्छा वाला एकदम एकदम सिंपल वाला दिखा बाबा, 50 वाला एकदम सिंपल। ₹60 बताओ था इतनी दूरी आओ तब तो पता चला भैया 10 लाओ। चला खुश है, हाँ ठीक है। फिर हुआ है भैया लेके आए इनका भाई और कुछ नहीं। बेटा नहीं देता है ना, पहले देख लिया अलग अलग सब देखा चाहे कि भैया तो एक साल के बच्चे के लिए चाहिए पैसा लिया क्या निकाल के ना नाती है जोन परवा यहां कटाई में लिया ये हाल जाए नहीं परवा हमारा बोलाई नहीं बैठक माता रही हमारा हां ये हाल जाए आराम से भवन नहीं भव कपड़ा ये ना हुए तो वापस के जाओ ठीक है हम गारंटी ले लेंगे देखा और हमें एक का नाम देखा नहीं करते हैं गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्तों।
तो दोस्तों रात में थोड़ा लेट आया क्योंकि इस समय थोड़ा सा मार्केट में ज्यादा कपड़ा सेल हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता। और रात को हमें क्या होता है दोस्तों, आने में थोड़ा सा 7, 7:30, 8, 8:30 तक बच जाते हैं। और आने के बाद दोस्तों ऐसा लगता है कि हम पूरा थक गए हैं और हिम्मत नहीं लेता वीडियो शूट करने में, क्योंकि पूरा मिट्टी मिट्टी पसीना शरीर भर हो जाता है। क्योंकि दोस्तों कपड़ा ले जाना, फिर उतार कर अकेला पूरा गाड़ता हूँ, गाड़ के फिर कपड़े को एक एक टांगता हूँ, फिर शाम को वही प्रोसेस दोहराता हूँ, तो ऐसे शाम को भी करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। दोस्तों जब सीजन नहीं चलता तो थोड़ा पहले आ जाता था, लेकिन अभी सीजन दोस्तों स्टार्ट है क्योंकि मुंधेरे तक कपड़ा सेल हो रहा है, तो कपड़ा इकट्ठा करने में थोड़ा रात हो जाता है। जिसको जिसको एक्सपीरियंस है, मतलब जिसके साथ दो आदमी होता है वो जल्दी बटोर लेता है। तो मार्केट इसमें बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि दशहरा का समय चल रहा है, तो इसलिए सेलिंग ज्यादा बढ़ रहा है और बच्चों का कपड़ा मतलब बहुत ज्यादा बिक रहा है। और कुर्ती प्लाजो टी शर्ट ये भी बहुत ज्यादा डिमांड में है, तो काफी अच्छा सेल हो रहा है। तो दोस्तों जो भी मैं माल लेके अभी आया था 2 दिन पहले वो पूरा खत्म हो गया, अभी मेरे पास माल बिल्कुल नहीं बचा है कि मैं फेरी पे उसको लेके जाऊँ या फिर बाजार लेके जाऊँ, क्योंकि बाजार भी जाऊंगा तब भी कस्टमर हमारे पास लौट के आएंगे, तो इसलिए माल लाना जरूरी है। लेकिन दोस्तों कल रात को भी बहुत बहुत अच्छा सेल हुआ। और लेकिन दोस्तों एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, बहुत सारे लोगों का दोस्तों कॉल रात को, शाम है, दोपहर, कभी भी आता है, तो दोस्तों माफ करना दोस्तों, क्योंकि हम इतना बात नहीं कर पाते और हम अकेला हूँ दोस्तों घर का, और हमको अकेले मार्केट में उतारना, कपड़ा लोड करना, इसमें बहुत सारा मेहनत होता है और फेरी में भी टाइम नहीं मिलता उतना आप लोगों से बात कर, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करना है, वीडियो फिर डालना है, और फिर दोस्तों अपना जो भी काम है घर का वो भी थोड़ा निपटाता हूँ, इसलिए दोस्तों आप लोगों से बात नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों हमें जहां तक होता है आपको वीडियो के माध्यम से हम आपको जवाब दे देते हैं, आपको बता देते हैं भाई आपको क्या करना है। लेकिन दोस्तों जो नए हैं वो काफी परेशान रहते हैं क्योंकि आप कहते हैं भाई एक बार आप मुझे बता दो क्या क्या से स्टार्ट करूं, तो मैं उन लोगों को इतना ही बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसे हम मार्केट में अपना कपड़ा बेचते हैं, जैसे फेरी में जाते हैं, हम ऐसा कोई चीज नहीं है जो हम आपको नहीं बताते होंगे, क्योंकि फोन करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको एक एक बात बताते हैं कि आप इस तरह करिए, इस तरह नहीं करिए, इस तरह करिए, आप ज्यादा माल नहीं भराना शुरुआत में, आप थोड़ा चुन चुन के माल लाना जिस तरह मैं लाता हूं, बस ऐसे आपको लोगों करना है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कोई अगर सोचता होगा कि हम भाई साहब से बात कर लें फिर उसके बाद मैं बहुत तगड़ा बिजनेस करूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब शुरुआत में आप कोई भी काम स्टार्ट करोगे, आप यह समझ लो आप एक नए जब कोई रोजगार मतलब नहीं है आपके पास, कहीं अगर शहर जाते हो, कहीं और काम करने के लिए जाते हो, तो पहले दिन से आपको मालिक के विषय में कुछ नहीं मालूम होता कि मालिक हमें पैसा देगा कि नहीं देगा, इसके यहाँ कितना काम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो ये सब आपको सोचना पड़ता है। वैसे इस लाइन में जब आप जो शुरुआत नहीं किए होगे तो आपको लगेगा कि हम एक ही दिन में हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, हम इतना कपड़ा लाएंगे, हम ऐसे काम कर लेंगे, हम बहुत अच्छे से फाइनल हो जाएंगे। तब आप काफी लोग सोचते होंगे भाई कि एक दिन में 20,000, 30,000, 40,000 लगाओ और डबल कमा जाओ, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कोई भी काम आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों कोई भी काम आसान बहुत है अगर आप 100% जिस चीज को लाग जाओगे वो निश्चित है आप कर दिखाओगे। दोस्तों आज नहीं कल नहीं परसों, आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन 100% आप करके दिखा दोगे। जो मैं कभी जिंदगी में कपड़े काम नहीं किया था कभी भी, इससे पहले मैं बहुत सारा काम किया था, पेंट काम किया, सऊदी गया दोस्तों, और दिहाड़ी काम भी किया, और फैक्ट्री लाइन में हम कपड़े भी सिले हैं, ऊनी कपड़े भी बनाए हैं, बहुत सारे काम किए हों, लेकिन दोस्तों खुद काम नहीं किया था, क्योंकि खुद का काम करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए जो हमारे पास बिल्कुल नहीं थे। और इसी की वजह से हम जब भाई शुरुआत किए थे तो हमें कोई बताने वाला नहीं था, इस तरह जिस तरह आपको हम समझाते हैं उस तरह कोई हमको बताने वाला नहीं था। नहीं तो मैं 3.5 लाख रुपया खड़ा था दुकान में और लगभग 4.5 लाख रुपया लगा देता पूरा, आज मैं वो 4.5 लाख रुपया रखा होता दोस्तों तो मैं इतना अच्छा काम करता जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन आप जो नए होंगे तो आप शायद आप यही सोचते होगे हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है या हमारे पास होता तो हम इस तरह करते, दोस्तों ये भूल है, ये गलत है सरासरा। लेकिन दोस्तों इतना बताना मैं चाहता हूँ, आप जीरो से स्टार्ट करोगे ना तभी आसमान तक जाओगे, आप बड़ा अमाउंट लगा के आप कभी आसमान छू नहीं पाओगे। मैं बड़ा अमाउंट लगा के देख लिया और मैंने सारा पैसा लगा के देख लिया, मैंने फिर से जीरो से स्टार्ट किया हूँ, अभी हमारे पास 3 से 4 लाख रुपया हो तब हम इस दुकान को किस तरह चलाएंगे अब हमको मालूम है, क्योंकि दोस्तों अब हम धीरे धीरे अपना ग्रो कर रहे हैं और बहुत अच्छा अभी सेलिंग कर रहा हूँ दोस्तों। डेली का हमारा जो घर का खर्चा है, जो हमारा बाहर दवा दरमा जो भी जितना भी हमें इस दुकान को मेंटेनेंस करना, हमें कपड़ा किस तरह लाना, किस तरह बेचना, सारा भी करने लगा हूं, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा अभी मुनाफा कमा रहा हूं। तो आप लोगों को बस दुआ रहेगा तो एक ना एक दिन इस दुकान को बहुत बड़ी दुकान में बदल दूंगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और दोस्तों एक बात और है, कभी भी दोस्तों हार नहीं मानना जिंदगी में, कोई भी काम करोगे आप जब हार मान जाओगे तो समझ लेना कि आप फेल हो जाओगे, अगर हार नहीं मानोगे ना तो एक ना एक दिन सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। तो बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, आप जहाँ से हो जिस तरह हो आप काम स्टार्ट करिए, आप थोड़ा अमाउंट डाल के स्टार्ट करिए, आप 2,000 से 10,000, 20,000 लगा के स्टार्ट करिए, आपको निश्चित रहना एक दिन सफलता मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कितने सेलिंग किया था आज दोस्तों, हम अभी गिनती करके रखा दोस्तों, अभी दोस्तों हम गिनती करके रखा था और ये हमारा आज लगभग 4,200 रुपये का सेलिंग हुआ है, और हम आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छा मुनाफा इसमें आ रहा है। आपको हम
अगर अनुमान लगा के बता दें, अगर प्रॉफिट आए कि पीस को लिखकर उसमें कमीशन निकालना पड़ता है, जो हम जल्दी से नहीं निकालते, लिखते नहीं हैं, क्योंकि हमको अंदाजा हो जाता है कि हमारा इतना प्रॉफिट आ गया होगा। तो दोस्तों बस हम आपको यही कहना चाहता हूं, आप अगर 4,000-5,000 का अगर मार्केट करोगे या फेरी में 3,000-4,000 कमाओगे तो 1,000-1,200 आपकी गारंटी बचना है। अगर दोस्तों अगर 1,000-2,000 का बेचोगे तब भी 400-500 आपका मुनाफा कहीं नहीं गया है, ये हमारा लिखित है, हमारा दावा है कि आप जब अच्छा माल लाओगे, बढ़िया से चुन के लाओगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। तो बस यही हमारी जर्नी है, हम रोज जाते हैं, रोज बेचते हैं, जो भी एक्सपीरियंस है आपको बताते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।